स्टूडेंट्स देखो, हाउ विल लॉकर रेंट ऑफ अ क्लब बी dealt with in income and expenditure account for the year ending 31st March 2017. Balance it on that date. अब students देखो, आपको क्या कह रहा है? Locker rent कह रहा है. क्या कह रहा है? Locker rent. ये अपनी क्या हो गई? Income. क्या हो गई? Income. जब अपन income की बात करें, और क्या कह रहा है? किस किस में दिखाना है? Income और expenditure account में. Income और expenditure account. और कहाँ दिखाना है students? बैलेंस शीट में. कहां दिखाना है? बैलेंस शीट. अब इनकम और एक्सपेंडिचर में दिखाना है, तो इनकम और एक्सपेंडिचर बनाने के लिए पहले कैलकुलेट कर ले अपन. तो टोटली अपन को कितना मिला? लॉकर रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग 2016 एंड 17 में कितना मिला? 5000. चलो स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ करो क्वेश्चन नंबर 5. लिख दो पर्टिकुलर्स और अमाउंट. फिर स्टूडेंट्स देखो, लॉकर रेंट रिसीव्ड देखो टोटली कौन से ईयर? 2016 और 17. तो लिख दो 2016 और 17 में टोटल कितना रिसीव्ड हुआ स्टूडेंट्स? 5000. अब स्टूडेंट्स देखो क्या कह रहा है. ये कह रहा है फर्स्ट डेट को, यानी फर्स्ट अप्रैल, यानी फर्स्ट डेट को कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग रह गया. क्या रह गया? आउटस्टैंडिंग. किसका है? तो फिर वो लास्ट ईयर का. किसका है? लास्ट ईयर. तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो ऐड करेंगे लेस लेस, क्योंकि अपन को किसका लेना है? करंट ईयर का. तो अपन लिख देते हैं लेस लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट. लेस कर दो स्टूडेंट्स 500, तो अपने पास आ जाएगा 4500. अब स्टूडेंट्स देखो, फर्स्ट डेट को कहता है एडवांस. क्या कहता है? तो करंट ईयर का है, जो पिछले साल अपन ने क्या किया? एडवांस पे कर दिया. तो ऐड कर दो, ऐड लास्ट ईयर एडवांस लॉकर रेंट. कितना पे किया स्टूडेंट्स? वही साल का है ना, ऐड करना है. तो 300 ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा? 48. फिर स्टूडेंट्स देखो क्या कह रहा है, 700 लास्ट डेट को कह रहा है. इस साल का कोई भी इनकम बकाया रहे तो ऐड करना है. क्या करना है? ऐड. तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 700. लिख दो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, क्योंकि इसी साल का है तो इसको ऐड करना पड़ेगा. लॉकर रेंट कितना आएगा स्टूडेंट्स? 700. तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 5500. फिर स्टूडेंट्स लेस क्या कह रहा है? लास्ट डेट को एडवांस, तो मतलब किसका है? नेक्स्ट ईयर का, जो अपन को पहले मिल गया वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं करना, तो उसको लेस कर दो. लेस नेक्स्ट ईयर एडवांस लॉकर रेंट, वो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 400. तो अपना आंसर आ जाएगा 5100. तो स्टूडेंट्स देखो, अपन इनकम और एक्सपेंडिचर में कितना दिखाएंगे? 5100 इनकम एंड एक्सपेंडिचर, है ना, ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ठीक है, और कौन से साइड में स्टूडेंट्स? इनकम साइड. अब स्टूडेंट्स अपन बात करें कि बैलेंस शीट में अपन को कैसे दिखाना है. तो स्टूडेंट्स छोटी सी एक बैलेंस शीट बना लो एज ऑन 2016 एंड 17. यह आ जाएगा अपना लाइबिलिटीज, यह आ जाएगा अपना अमाउंट, यह अपना आ जाएगा एसेट्स, और यह आ जाएगा अपना अमाउंट. अब स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा
कि अपना करंट ईयर की बात होगी, अब हमेशा ध्यान रखना अपन को बैलेंस शीट में जो दिखाना है वो अगर पिछले साल से अभी भी आउटस्टैंडिंग है तो दिखाएंगे, पर करंट ईयर में अभी भी कितने आउटस्टैंडिंग है 700, तो वो एक तरह की इनकम है। जब भी कोई इनकम आउटस्टैंडिंग रह जाए तो वो क्या बन जाती है, एसेट्स। क्या बन जाती है, एसेट्स। तो लिखो एसेट्स साइड में आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट कितना है स्टूडेंट, 700। और कोई भी इनकम अगर अपन को एडवांस मिल जाती है, मतलब जो ड्यूरिंग ईयर है वो कितनी मिल रही है, 400, वो कहाँ दिखाएंगे, लाइबिलिटीज साइड। तो लिखो एडवांस या प्रीपेड भी लिख सकते हो, प्रीपेड लॉकर रेंट कितनी मिले स्टूडेंट्स, 400। इसको क्लोज कर लो यहाँ पे, केवल ओनली फॉर इसको शो करना है बैलेंस शीट में। अब स्टूडेंट्स अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 6 में, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2016 and 2017 इज एज फॉलोवर्स। देखो स्टूडेंट्स 2016 और 17 में अपन को सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ कितना हुआ स्टूडेंट्स, ये देखो ये तीन ईयर दे रखे हैं अपन को, वो तीनों में। तो सबसे पहले अपन कहें 2015-16 का कितना मिला, 2016-17 का कितना मिला, 25,000, और 17-18 का यानी एडवांस मिला कितना स्टूडेंट्स, 1,000। तो स्टूडेंट्स इसी तरह एक टेबल बनाओ, लिखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग ईयर जो लिख दो वो लिख दो 2016 और 17। स्टूडेंट्स तीनों अमाउंट को ऐड कर दो, यानी 2000 प्लस 25,000 प्लस 1,000, तो कितना हो जाएगा, 25 और 2 27 और 1 28,000। अब स्टूडेंट्स देखो ये 2000 जो मिला है अपन ने एक साथ दिखा दिया है, अपन चाहे तो ओनली फॉर किसका ले सकते हैं, 2016-17 का ले सकते हैं, पर मैं तुम्हें एक साथ बता रहा हूँ, मतलब सारा बता रहा हूँ। 2015-16 का है जो इस साल मिला है, तो वो अपन को इंक्लूड करना है क्या, नहीं करना है, क्योंकि लास्ट ईयर का इसमें इंक्लूड नहीं करना। तो लेस कर दो, लेस लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है स्टूडेंट्स, 2000, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 26। फिर स्टूडेंट्स देखो ये तो इसी का है, ये एडवांस मिला है नेक्स्ट ईयर का, उसको भी क्या कर दो, लेस नेक्स्ट ईयर एडवांस सब्सक्रिप्शन 1000, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 25,000। फिर स्टूडेंट्स क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देयर आर, देखो रुपीज लिखा है तुम्हारे इंग्लिश में, ये हटा देना, ये मिसप्रिंट है तुम्हारी बुक में। 100 मेंबर्स ऑफ अ क्लब ईच पेइंग रेट 300। अब मेरे को बताओ 100 मेंबर है और एक जना 300 रुपये देता है, तो टोटल कितना मिलेगा, 30,000। पर अपन को मिला कितना स्टूडेंट्स, 25। तो अभी कितना आउटस्टैंडिंग है, 5,000 करंट ईयर का क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो स्टूडेंट्स अब लिखेंगे यहाँ पे ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, या लिख सकते हो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है स्टूडेंट्स, 5,000। टोटल कितना आ जाएगा, 30,000। ये कहाँ दिखाएंगे अपन, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कौन से साइड में, इनकम साइड। कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स,
अब अपन को बनानी है बैलेंस शीट, तो स्टूडेंट्स मैं बैलेंस शीट बना लेता हूँ। कौन से ईयर की स्टूडेंट्स? 2016-17। क्या लिख दें? लाइबिलिटीज, फिर अमाउंट, फिर एसेट्स और फिर अमाउंट। तो स्टूडेंट्स लाइबिलिटीज कौन सी होगी? मैंने क्या कहा, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एसेट्स होती है और नेक्स्ट ईयर की जो अपन को मिल चुकी है वो अपनी क्या होगी? लाइबिलिटीज। लास्ट ईयर का नहीं सोचना है, ठीक है, जो बीत चुका है। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, बताओ कितना है स्टूडेंट्स? 5000, ये लिखा था अपन ने 5000। फिर एडवांस कितना मिल गया, यानी प्रीपेड कह सकते हैं, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, बताओ कितना मिला स्टूडेंट्स? 1000, वो लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा। स्टूडेंट्स अभी बैलेंस शीट को इतना ही क्लोज कर लो, चलो राइट करो। स्टूडेंट्स देखो अब चैप्टर नंबर 9 का शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग्स इंफॉर्मेशन हु सब्सक्रिप्शन विल बी शो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कहाँ शो करना है? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करने वाला अमाउंट निकालना है। अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 31st March 2017 एंड बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। तो देखो स्टूडेंट्स आपको सब्सक्रिप्शन दे रखा है, आप इनकम और एक्सपेंडिचर में कौन सा अमाउंट शो करोगे और बैलेंस शीट में क्या क्या दिखाओगे? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अपन बात करें तो अपन को दे रखा है कि 1/4/2016 मतलब 1st अप्रैल 2016। अब अपन बना रहे हैं 31st मार्च 2017 पे अपन है, तो जो ये अकाउंटिंग ईयर है 2016 से 2017 है, देन 1st अप्रैल से लेकर कहाँ तक? 31st मार्च तक। तो स्टूडेंट्स देखो ये फर्स्ट डेट को अगर कोई भी एरर रहता है तो वो किसका है? लास्ट ईयर का। किसका है? लास्ट ईयर। वो कितना है? 1000। कितना है? 1000। फिर आपको कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, यानी फर्स्ट डेट को कोई भी एडवांस मिलता है अपन को तो वो किसका होता है? करंट ईयर का। तो क्या करना पड़ेगा? एड। क्या करना पड़ेगा? एड। अब स्टूडेंट्स उसके बाद क्या कह रहा है कि 31st मार्च 2017 मतलब ईयर एंडिंग आ गए। क्या गए? ईयर एंडिंग में कह रहा है एरियर है, तो एरियर है तो किस साल का है? करंट ईयर का। फिर स्टूडेंट्स कह रहा है इंक्लूडिंग 500 रिलेटेड टू 2015 और 16। तो स्टूडेंट्स एरियर है, अभी भी एरियर है, तो मतलब देखो कितना एरियर था? 1000 एरियर था, उसमें से 500 अभी भी एरियर है, तो अपन को 500 क्या हो गए हैं? रिसीव्ड हो गए। क्या हो गए? रिसीव। और वो कब हुए हैं? 2015 और 16 का जो एरियर था, मतलब 1000 एरियर थे, 500 अभी भी एरियर है और 500 अपन को रिसीव्ड हो गए, किस में हुए? 2016 एंड 17 में। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस कितना मिला? देन नेक्स्ट ईयर का। देन नेक्स्ट ईयर कहने का मतलब क्या हो गया? लास्ट डेट को कह रहा है ना, ये नेक्स्ट ईयर का है, देन 2017-18 का है, 2017-18 कितना है? 500। फिर इसके बाद देखो क्या कह रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2016 का कितना है? 50,000। अब देखो ये एडवांस रिसीव्ड हुआ 500 और आपको कह रहा है टोटल ड्यूरिंग द ईयर कितना रिसीव्ड हुआ? अरे 50,000। तो अब अपन इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे अपन क्या, जो 50,000 है फिर अमाउंट, स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड लिख देते हैं, कितना रिसीव्ड हुआ? 50,000। तो देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड स्टूडेंट्स कितना हुआ? 50,000। अब 50,000 में देखो ये पिछले साल का एरियर है, तो क्या करोगे आप? प्लस का माइनस, माइनस क्या करोगे? माइनस। तो अपन क्या लिखेंगे? लेस आउटस्टैंडिंग
सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट ईयर। स्टूडेंट्स अब मेरी बात सुनो, 1000 एरियर थे पर अपन को मिले कितने हैं? 500 अभी भी एरियर बता रहा है तो मिले कितने हैं? 500। तो यहाँ पे लिखोगे 1000 में से 500 अपन को मिल चुके, अभी भी 500 एरियर है तो यहाँ 500 ही माइनस होंगे, तो अब बच जाएगा अपने पास 49,500। अब देखो अपन ने एडवांस दे दिया कब? लास्ट ईयर में, तो क्या लिखेंगे? एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट ईयर। तो स्टूडेंट्स बताओ लास्ट ईयर कितना सब्सक्रिप्शन दिया अपन ने? 2000। तो अब अपन लिख देंगे 2000, तो 2000 ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 51,500। फिर स्टूडेंट्स देखो उसके बाद क्या कह रहा है कि लास्ट डेट को एरियर कह रहा है, तो लास्ट डेट को एरियर मतलब वो इस साल का है, करंट ईयर का, तो करंट ईयर का है तो ऐड करेंगे उसमें स्टूडेंट्स, तो ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। तो स्टूडेंट्स उसमें वो कह रहा है कि 3000 में इंक्लूड है कितना? 500 एरियर में, तो यहाँ पे 3000 माइनस 500 तो आ जाएगा 2500। तो स्टूडेंट्स देखो कितना आ जाएगा? 0 0, 5 4 5 10 कैरी 1 1 और 1 2 2 और 2 4, देन 54,000। अब स्टूडेंट्स आपको कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, किसका? जो लास्ट डेट को एडवांस कहता है तो वो नेक्स्ट ईयर का है, तो अपन इसको क्या करना पड़ेगा? डिडक्ट। तो लिखेंगे लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर। स्टूडेंट्स 500 है उसको डिडक्ट कर दो, तो अपन क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? 53,500। ये किसमें दिखाएंगे स्टूडेंट्स? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कौन से साइड में? इनकम साइड में। स्टूडेंट्स ये तो आ गया अपना, अब बात करें अपन किसके लिए? बैलेंस शीट के लिए। स्टूडेंट्स बैलेंस शीट की जब अपन बात करेंगे तो अपन कहें ये अपना लाइबिलिटीज, फिर एसेट्स, फिर सॉरी स्टूडेंट्स अमाउंट, फिर एसेट्स, फिर अमाउंट, स्टूडेंट्स अब इसी को देखो तो अपन बात करें 500 मिल गया था, 500 क्या अभी भी ड्यू है? किसका? लास्ट ईयर का, तो अपन क्या कहेंगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देखो 500 रुपये पिछले साल के बकाया, और करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? 2500, तो टोटल मिला के कितना हो गया? 3000, कितना हो गया? 3000, अभी करंट ईयर की बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं। फिर स्टूडेंट्स एडवांस कितना मिला अपन को? 5, तो अपन लिख देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड स्टूडेंट्स कितना? 500, वो कहाँ चला जाएगा? लाइबिलिटीज साइड में। अब देखो स्टूडेंट्स अब बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 8 की, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सन्ड्री एक्सपेंसेस, क्या कह रहा है? सन्ड्री एक्सपेंसेस यानी विविध व्यय, टू बी शो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2017 एंड बैलेंस शीट ऑन दैट डेट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखो फर्स्ट डेट को आपको क्या कह रहा है एंड लास्ट डेट को आपको क्या कह रहा है? स्टूडेंट्स फर्स्ट डेट को आउटस्टैंडिंग है तो वो किसका है? जो ईयर निकल चुका है लास्ट ईयर का। क्या कह रहा है? प्रीपेड, प्रीपेड का मतलब एडवांस पूर्वदत्त, है ना, पहले ही अपन ने क्या कर दिया उसका भुगतान, ये एडवांस प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंसेस। अब मेरे को बताओ फर्स्ट डेट को अपन एडवांस पे कर दे तो वो किस साल का होगा? इस साल का, ईयर स्टार्ट हो रहा है और अपन कहते हैं एडवांस पे कर दिया तो वो कब किया? लास्ट ईयर में किया था, वो था किसका? इस साल का, तो क्या करोगे? प्लस, आए समझ में? फिर स्टूडेंट्स
लास्ट डेट को अगर आपको एडवांस कहे तो वो किसका है? नेक्स्ट ईयर का, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो क्या कर दोगे स्टूडेंट्स? माइनस। फिर स्टूडेंट्स आउटस्टैंडिंग संडे एक्सपेंसेस, मतलब फर्स्ट डेट को अगर आउटस्टैंडिंग रहता है तो वो किसका है? पिछले साल का, है ना, लास्ट, हाँ अब लास्ट ईयर का, तो इसको माइनस कर देंगे। फिर स्टूडेंट्स कह रहा है लास्ट डेट को आउटस्टैंडिंग रहे तो वो करंट ईयर का, तो वो क्या किया जाएगा? एज। अब स्टूडेंट्स क्या कह रहा है? संडे एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना कह रहा है? 5000। तो स्टूडेंट्स देखो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, वही पर्टिकुलर्स। अमाउंट स्टूडेंट्स पहले लिख देते हैं सीधा जो पे किया अपन ने, है ना, संडे एक्सपेंसेस पेड कितना क्या है स्टूडेंट्स? पेड 5000, यहाँ 5000 लिख दो। फिर स्टूडेंट्स देखो प्रीपेड मतलब होता है एडवांस, तो ऐड कर दो प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड फॉर लास्ट ईयर कितना पे किया स्टूडेंट्स? 100, तो 100 ऐड कर दो, तो 5100। फिर स्टूडेंट्स लेस प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड कहाँ का? नेक्स्ट ईयर का, तो अपन क्या लिखेंगे? प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड फॉर नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर है तो स्टूडेंट्स 500 माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स बता सकते हो? स्टूडेंट्स 51 में से 1 चला गया 50, और 50 में से 4600, सॉरी स्टूडेंट्स 200 स्टूडेंट्स इस लाइन में अपन, तो कितना आएगा? 200 डिडक्ट कर देंगे तो 4900। अब स्टूडेंट्स ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस फॉर किसका स्टूडेंट्स? लास्ट ईयर। ये आउटस्टैंडिंग सन्ड्री फर्स्ट डेट को लास्ट ईयर का होगा, है ना, वो लेस हो जाएगा, तो यहां लिख देते हैं अपन लेस। स्टूडेंट्स कितना? 500, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 4400। फिर स्टूडेंट्स ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस फॉर करंट ईयर, स्टूडेंट्स बता सकते हो कितना? 400। तो अब अपन कह सकते हैं स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? 48। तो स्टूडेंट्स देखो 48 आ रहा है क्या? आ रहा है, तो देखो स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, किसमें शो करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और कौन सी साइड में? एक्सपेंडिचर साइड में। अब स्टूडेंट्स अपन बात करें बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट बना लेते हैं अपन। स्टूडेंट्स बैलेंस शीट में अपन बात करें, ये अपनी लायबिलिटी साइड, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। स्टूडेंट्स देखो अब अपन ने पहले ही प्रीपेड कर दिया, तो वो अपनी क्या बन जाती है? एसेट्स। क्या बन जाती है? एसेट्स। अब देखो स्टूडेंट्स अपनी एसेट्स कौन सी डेट को देखेंगे? एंड की डेट को देखेंगे, तो ये काम नहीं आएगी स्टूडेंट्स। एंड डेट देखो जो अपन ने प्रीपेड कर दिया, कितना? 200 पहले पे कर दिया अपन ने, तो अपन एसेट साइड में लिख दो प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंसेस सन्ड्री एक्सपेंसेस
कितना है स्टूडेंट्स 200, वो आ जाएगा एसेट साइड में। कोई भी एक्सपेंसेस अगर अपन पहले ही पे कर देते हैं तो वो अपनी एसेट्स बन जाती है। क्या बन जाती है? एसेट्स। और कोई भी एक्सपेंसेस अगर अपना ड्यू रह जाता है तो वो अपनी लाइबिलिटीज बन जाती है। देखो आउटस्टैंडिंग रहा संडे एक्सपेंसेस कितना 400। लास्ट डेट को देखेंगे स्टूडेंट्स तो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग संडरी एक्सपेंसेस कितना है स्टूडेंट्स 400, यहाँ लिख दो 400। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे दे रहा है अपन को कि डेबिट साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रेट 400 इन लाइबिलिटीज, 400 लाइबिलिटीज एंड 200 इन एसेट साइड, तो 200 एसेट साइड। और हमेशा कौन सी डेट देखनी है? लास्ट डेट। ये कहाँ आएगी? ओपनिंग कैपिटल फंड में कहाँ आएगी? और ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएगी। आया समझ में? चलो स्टूडेंट्स राइट करो। स्टूडेंट्स देखो अब अपन क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं शॉर्ट आंसर का। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स फंड। स्टूडेंट्स जब कभी भी किसी तरह का फंड मिलता है, फंड रिसीव्ड होता है, तो वो फंड क्या है? स्पेशल वर्क के लिए। तो वो अपन बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं? लाइबिलिटीज साइड में। आए समझ में? फिर क्या कह रहा है? विच विल बी शो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2017 एंड बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। फिर स्टूडेंट्स आपको स्पोर्ट्स फंड मिला था कितना है? 1,00,000 रुपए। और 1,00,000 रुपए का स्पोर्ट्स फंड आपने क्या कर दिया? इन्वेस्ट। टोटल कितना हो गया? 2,00,000। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? रिसीव डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स ड्यूरिंग द ईयर। किसके लिए मिला वो भी? अरे स्पोर्ट्स के लिए मिला वो भी। तो अब अपन कह सकते हैं एक और एक, ये तो इन्वेस्ट कर दिया तो ये तो बन गई एसेट्स। तो देखो ये एसेट साइड में चला जाएगा। 1 और 25 कितना हो गया? 1,25,000। 1,25,000। इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, तो देखो 10% 1,00,000 का 10,000 होता है, तो 10,000 दे दिया तो कितना हो गया स्टूडेंट्स? 1,35,000। और एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, कोई भी इवेंट करवाया आपने स्पोर्ट्स का तो कितना खर्च आया? 40,000। तो मतलब 1,35,000 आपके पास था, उसमें से 40,000 आपने खर्च कर दिया, तो अब आपके पास कितना बचा? 95। तो देखो 95 बचा। और कहां दिखाएंगे? किसी तरह का कोई फंड होता है वो कहां दिखाते हैं? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। कहां दिखाते हैं? बैलेंस शीट के लायबिलिटी। चलो स्टूडेंट्स मैं यह कर लेता हूं, बैलेंस शीट बना लेता हूं एस ऑन कौन से ईयर स्टूडेंट्स? 31st March 2017। स्टूडेंट्स यहां आ जाएगा अपना लाइबिलिटीज, फिर स्टूडेंट्स अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। फिर स्टूडेंट्स देखो अपन सबसे पहले बात करें, ये फंड मिला अपन को तो स्पोर्ट्स फंड लिख लो, स्पोर्ट्स फंड लिख लो स्टूडेंट्स। कितना मिला? 1,00,000। फिर स्टूडेंट्स 1,00,000 का इन्वेस्ट कर दिया तो वो कहाँ चला जाएगा? एसेट्स में। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट कितना मिला स्टूडेंट्स? स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 1,00,000। फिर स्टूडेंट्स देखो रिसीव डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स ड्यूरिंग द ईयर, तो मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो इसमें ऐड हो जाएगा डोनेशन, लिख दो ऐड डोनेशन। कितना मिला स्टूडेंट्स? 25,000। तो टोटल कितना हो गया? 1,25,000। फिर स्टूडेंट्स क्या कह रहा है? इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड ड्यूरिंग ईयर 10,000। कितना मिला? 10। तो लिख दो ऐड इंटरेस्ट ऑन, क्या लिखोगे स्टूडेंट्स? इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। कितना मिला स्टूडेंट्स? 10,000। तो टोटल कितना होगा स्टूडेंट्स? 1,35,000। अब स्टूडेंट्स इसमें से माइनस कर दो कितना एक्सपेंसेस, तो लेस स्पोर्ट्स इवेंट जो करवाया वो एक्सपेंसेस माइनस कर दो, एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट। कितना खर्चा आया स्टूडेंट्स? 40,000।
तो अब 45,000 डिडक्ट करने के बाद बचेगा 95,000। तो स्टूडेंट्स देखो, लाइबिलिटीज में 95 और एसेट्स में 1,00,000। अब स्टूडेंट्स देखो आगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन रिलीफ फंड। अब देखो स्टूडेंट्स, ये भी फंड है, किस चीज का है? मेडिकल रिलीफ फंड, विच विल बी शो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2017 एंड द बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। देखो स्टूडेंट्स, ओपनिंग बैलेंस आपके पास कितना पड़ा था? स्टूडेंट्स ओपनिंग बैलेंस कितना है? 2,50,000। फिर स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, डोनेशन रिसीव्ड टुवर्ड मेडिकल रिलीफ फंड ड्यूरिंग द ईयर, कितना मिला है स्टूडेंट्स डोनेशन? ऐड कर दें क्या, कितना मिला है स्टूडेंट्स? 70,000। तो टोटल कितना होता है स्टूडेंट्स? 3,20,000। फिर क्या कह रहा है, एक्सपेंसेस पेड फॉर मेडिकल कैंप ड्यूरिंग द ईयर, कितना हुआ है स्टूडेंट्स? 3,50,000। क्या कर दिया, एक्सपेंसेस कर दिया मेडिकल कैंप में, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? लेस। तो अब मेरे को बताओ, माइनस में आ रहा है कितना? 30,000। तो लॉस हो रहा है, ज्यादा एक्सपेंसेस हो गया। तो ज्यादा एक्सपेंसेस हो गया तो किस साइड में दिखाओगे? एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कहाँ दिखाओगे? हाँ, एक्सपेंडिचर में। तो स्टूडेंट्स अब हेडिंग डालो, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहां लिख दो एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अमाउंट। कहां दिखाओगे स्टूडेंट्स? लॉस हो रहा है, लॉस सारे कहां आते हैं? डेबिट में। क्या लिखोगे? टू एक्सपेंसेस पेड ऑन मेडिकल कैंप, ऐसे लिखोगे, एक्सपेंसेस पेड ऑन मेडिकल कैंप। कितना हुआ स्टूडेंट ज्यादा एक्स्ट्रा? 30,000। बस क्लोज कर लो। स्टूडेंट्स क्या कह रहा है आंसर में देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या कह रहा है? अकाउंट रेट 30,000। तो देखो ये अपने 30,000 शो कर दिया। चलो स्टूडेंट्स राइट करो।